नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के बेटे को बेलगाम अपराधियों ने बीजेपी शासित प्रदेश महाराष्ट्र में गोलियों से छलनी कर दिया है। जी हां, देश में एक बड़े राजनेता की हत्या हो गई है। कल देर रात मुंबई के बंद्रा के इलाके में बाबा सिद्दीकी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे, बिहार के बेटे थे। महाराष्ट्र में बेलगाम और बेखौफ अपराधियों ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। देश के एक बड़े राजनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बाबा सिद्दीकी ने बनाई थी, और साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी की पहचान एक सेलिब्रिटी के रूप में भी होती है। बाबा सिद्दीकी ने जिस तरीके से बिहार से जाकर मुंबई में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, अपराधियों ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। जहां ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बिहार के बेटे की हत्या अपराधियों ने कर दी है। कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रहे, और साथ ही साथ एक सेलिब्रिटी के रूप में बाबा सिद्दीकी ने बड़ी पहचान बनाई थी देश में। बॉलीवुड की अगर बात कीजिए तो बॉलीवुड के जितने बड़े सितारे हैं, चाहे शाहरुख हो या फिर सलमान, बाबा सिद्दीकी के अजीज मित्र थे। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि महाराष्ट्र में बेलगाम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे। लंबे समय तक बाबा सिद्दीकी जो है वो कांग्रेस में रहे, और इसी साल फरवरी महीने में जो है वो बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट को जो है वो ज्वाइन किया था। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी हैं, उनकी हत्या अपराधियों ने कर दी है। तीन लोगों ने मिलकर जो है वो हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। बाबा सिद्दीकी के बारे में बात करें तो बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान सिद्दीकी वर्तमान में बंद्रापुर से कांग्रेस के विधायक हैं। इसी साल उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। तकरीबन 48 सालों तक बाबा सिद्दीकी कांग्रेस से जुड़े रहे। वे 1977 में अपने छात्र जीवन में ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। वह 1999, 2004 और 2009 में तीन बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। उनके बेटे जिसान सिद्दीकी बांद्रापुर से वर्तमान में विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी की अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दी है। देखिए, उन्होंने 2004 से 2008 तक के सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और एफडी राज्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेवारी संभाली। बाबा सिद्दीकी ने पहले दो लगातार कार्यकाल 1992 और 1997 के लिए नगर निगम के वार्ड पार्षद के रूप में भी काम किया। 8 फरवरी 2024 को उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दी, और बाबा सिद्दीकी जो है वो एनसीपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के बड़े राजनेता के रूप में उन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई। देश में एक बड़े राजनेता के रूप में वो जाने जाने लगे। और बात मैं बिहार की करूं तो बिहार में बाबा सिद्दीकी लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। लालू परिवार से बेहद ही करीब का रिश्ता था इनका। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है, तो देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दुख जताया इस घटना पर। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के वरीय नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का समाचार बेहद दुखद है। परवरदिगार से इल्तिजा है कि महरूम को जन्नत में आला मकाम दे और परिजनों को सब्र और हिम्मत। महाराष्ट्र में एनडीए शासन में लगातार हो रही ऐसी आपराधिक घटनाओं को क्या नाम देंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार के राजनेताओं के अंदर भी आज दर्द है, क्योंकि ये हत्या बाबा सिद्दीकी की हुई है। भले ही वो राजनेता के रूप में एक अपनी अलग पहचान मुंबई में रहकर बनाए हो, लेकिन जननी जन्मभूमि होती है तो बिहार से सीधा कनेक्शन। बिहार के गोपालगंज के बेटे बाबा सिद्दीकी, जिनकी अपराधियों ने हत्या कर दी है, और इस हत्या के बाद
दुख का पहाड़ टूट पड़ा है उनके परिवार पर और शोक की लहर देश भर में दौड़ पड़ी है। फिलहाल अप टू डेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।